रहे यार अर्शन। यार ये जो सामने वाला घर है ना, उसके बराबर में जो वो गंदा सा घर है शकील साहब का, वो पूछ रहे थे तुम्हारे कॉलेज के बारे में, बहुत ज्यादा इंक्वायरी कर रहे थे मुझे। लेकिन उनका बेटा बहुत छोटा नहीं है? इनकी बेटी शायद मैट्रिक में, उसकी वजह से पूछ रहे होंगे। खामा खाई पूछ रहे थे, अफोर्ड तो कर नहीं सकते वो, 10 साल हो गए एक ही गाड़ी चलाए जा रहे हैं, घर देखो जरा कितना गंदा है, पेंट तक कराने के पैसे नहीं है उनके पास, पूरी कॉलोनी का सबसे गंदा घर है। बातें करते हैं, ये कहाँ से अफोर्ड करेंगे? इनके बच्चे जिस स्कूल में है ना, वहाँ की तो पढ़ाई ना ही पूछें। कितनी भी इंक्वायरी कर रहे हैं ये लोग, मेरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, दैट्स इम्पॉसिबल। मैं कराची के सबसे बेस्ट ए लेवल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, जितनी वहाँ की फीस है ना, उतना इनके पोर्शन का रेंट होगा। इनसे कहें कि भूल जाएं, जहाँ इनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं सही है। आई नो। फातिमा बेटा, अभी कॉलेज से आई हो, घंटों बसों के चक्कर काट के, और आते ही तुम किताबों में उलझ गई हो। कुछ खा पी तो लो मेरी जान। मम्मी आपको पता है ना प्रीलिम्स होने वाले, इतना सारा सिलेबस रह गया, मुझे तो टेंशन हो रही है कि मैं कैसे पढ़ूंगी इतना सब। बेटा मैं जानती हूँ तुम पे पढ़ाई का बहुत बोझ है, लेकिन खाना पीना और आराम भी तो उतना ही जरूरी होता है ना मेरी जान। अम्मी अगर आराम करने बैठ गई ना तो घंटों जाया हो जाए, को तो पता है ट्यूशन वाले बच्चों ने आना है शाम में, और अगर उन्हें एक छुट्टी दे दो तो फीस नहीं देते फिर वो लोग। हाँ बेटा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारे अब्बा के इंतकाल के बाद जिस तरह से घर की जिम्मेदारियों में तुमने मेरा साथ निभाया, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता था। अरे हाँ मुझे याद आया, तुम्हारी सादिया खाला का फोन आया था, उनके घर में एक छोटी सी तकरीब है, तो कल हम उनके यहाँ जाएंगे। अम्मी मुझे नहीं जाना वहाँ पे। फातिमा बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, उनके सिवा हमारा और है ही कौन। अच्छा चलो हम ज्यादा देर उनके यहाँ नहीं बैठेंगे, बस होकर आ जाएंगे। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा अम्मी पढ़ाई की टेंशन नहीं है। छोड़ें आप नहीं समझेंगे, खैर चल लेंगे वहां पे, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगी अम्मी। खैर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अच्छा भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरे राशिद भाई। अस्सलाम वालेकुम खाला। कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, तुम सुनाओ पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? जी अल्लाह का शुक्र अच्छी चल रही है। राबिया क्या करोगी इतना पढ़ा के बच्ची को? भाई डिग्री विग्री किसी काम की नहीं होती लड़की के लिए, आखिर में करना तो चूल्हा हांडी है ना। अब हर कोई तुम्हारी बहन की तरह खुशनसीब तो हो नहीं सकता कि सादी सी बीए लड़की को बाहर का डिग्री होल्डर मिल जाए। जी राशिद भाई मेरी बेटी बहुत समझदार है, घरेलू कामकाज में भी मेरा पूरा साथ देती है, लेकिन मैं खुद ही नहीं चाहती कि घर के कामकाज इसकी पढ़ाई में हायल हो, मैं ही मना कर देती हूँ। बहुत जहीन है मेरी बेटी माशाल्लाह। अरे खाला ये छोटे स्कूल्स की छोटी क्लासेस में नंबर लाना और बात है, अरे आजकल के जमाने में कॉम्पिटिशन है, मेडिकल का एक लेवल है जो मुझे नहीं लगता कि फातिमा कभी कर पाएगी। हाँ ए लेवल और इंटर सिस्टम में फर्क है, ए लेवल करके दिखाओ तो मानेंगे हम। एक्सक्यूज मी, इंटर सिस्टम भी कोई आसान नहीं है, और जो मेहनत से घबराते नहीं है वो किसी भी कंपटीशन से डरते नहीं है। फर्क होगा आपकी नजर में, मेरी नजर में नहीं। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है बेटा, यही सिखाया तुम्हारी तालीम ने तुम्हें, है भी राबिया यही तरबियत की है तुम्हें, इतना गुस्सा छोटी सी बात पे। इसीलिए कहते हैं छोटे स्कूलों में बच्चों को डालना नहीं चाहिए, ना वहाँ के उस्ताद अच्छे होते हैं ना वहाँ का माहौल।
अरे भाई ये लड़कियों के बस की बात नहीं है, बस को मुनासिब सा रिश्ता देखो और शादी करो। ये डॉक्टर वॉक्टर बनना इतना आसान थोड़ी है। अगले 2 सालों में हमारा अशर तो इंग्लैंड चला जाएगा, बाप की तरह वहीं से डिग्री लेके आएगा। आप सही कह रहे हैं, अब तो देखा जाए तो लड़कियां हर मैदान में लड़कों से आगे हैं। इंशाल्लाह मेरी बेटी भी कुछ अच्छा करके दिखाएगी। हाँ हाँ, कुछ करके दिखाने के लिए पैसे की जरूरत होती जो तुम्हारे पास है नहीं। मेरा ख्याल है चादर देख के ही पांव फैलाने चाहिए आदमी को, क्यों भाई? मेरा ख्याल में खाना लग गया होगा, खाना खाने चलते हैं। हाँ बिल्कुल, खाना भी कभी कभी अच्छा खाना भी खाना चाहिए। आइए चलें। हैरी पॉटर की बुक। वाह भाई, लेकिन तुम्हारा ऐसा टेस्ट कब से हो गया? नहीं आई मीन कि इस बुक में जरा पिक्चर्स कम है तो तुम्हें समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। वो उर्दू मीडियम बच्चों को भला क्या पता इन चीजों का। तुम्हें तंजिया बातें करने के अलावा कुछ और आता है? कोई और काम है तुम्हारी जिंदगी में? नहीं नहीं, काम बहुत है, लेकिन कम से कम ये बसों के धक्के खाने और गंदे संदे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ना ना ना, 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 ना। हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, लेकिन तुम्हें क्या पता, कभी कोई अच्छी चीज अच्छा कॉलेज देखा हो तो बात करो ना। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अंकल के दिए हुए पैसों और उनकी दी हुई चीजों पर। कभी खुद से निकलो घर से, अपने बलबूते पे थोड़े पैसे कमा कर दिखाओ ना तो तुम्हें मानू। बहुत आसान होता है इस तरह की बातें करना किसी और के पैसे पे। मुझे जलने की बू आ रही है। फातिमा यहाँ क्या कर रही हो बेटा? खाना भी तुमने ठीक से नहीं खाया बेटे। अम्मी बुला रही है तुम्हें, चलो। जी हैरी पॉटर पढ़ेंगे। क्या बात है बेटे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मी, बस सर्दी लग रही है। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो ना, क्या करूं मैं भी, रिश्ते तो निभाने पड़ते। रिश्ते? अम्मी क्या वाकई ये रिश्तेदार भी हैं हमारे? कभी अशर या राशिद खालू के मुंह से आपने हमारे लिए कोई अच्छाई सुनी है? वो जानते भी है कि हमारे हालात किस तरह के, उसके बावजूद भी उन्होंने आज तक नहीं पूछा कि हमें किसी चीज की जरूरत है या नहीं। मैं नहीं मानती अम्मी ऐसे रिश्तों को। हमेशा मेरी पढ़ाई को लेकर उन्होंने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया, कभी किसी बात पे इनकरेज नहीं किया उन्होंने। अच्छा बेटा, तुम उनकी बातों को नजरअंदाज कर दो, तुम तो बहादुर हो ना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी बेटी इतनी मजबूत है कि रास्ते की मुश्किलात उसका रास्ता नहीं रोक सकती। मेरी शहजादी अपनी मंजिल पर पहुंच कर रहेगी इंशाल्लाह। मैं जानती हूँ, जब जब मैं उनके घर जाऊंगी तब तब इसी तरह जलील होकर वापस आएंगी, क्योंकि उन्हें अपने पैसे का दिखावा करने का बहुत शौक है, उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं आता। मैं नहीं जाना चाहती हूँ अम्मी उनके घर, लेकिन आप हमेशा मुझे फोर्स करके वाली जाती। अच्छा बेटा ठीक ठीक है, मैं
आइंदा कभी तुम्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं करूंगी। बस अब तुम अपने जहन से सारी बातें निकाल दो और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दो। अम्मी, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, ताकि आपको इन मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों के आगे झुकना ना पड़े, इनका सहारा ना लेना पड़े। बस मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है अम्मी। मेरी जान, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए। राशिद, मैं सोच रही हूँ कि मैं राबिया क्या हुआ हूँ। अभी हफ्ता पहले तो वो लोग यहाँ आके गए हैं। यार देखो, किसी से इतना मेल जोल बढ़ाओगे ना तो कदर व कीमत इंसान वैसे ही खो देता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो किसी नहीं है, मेरी बहन है, और मैं कौन सा उसके घर रोज रोज जा रही हूँ कि मेरी कदर व कीमत खत्म हो जाएगी। मैं जाकर अपॉलोजी करना चाहती हूँ। आपका और अशर का रवैया सही नहीं था उससे। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? तुम बाप की बच्ची है, बजाय इसके कि आप उसकी हिम्मत बंधाते, आप तो इस पर तंकीद करने लगे। आपकी देखा देखी अशर भी शुरू हो गया, इसका दिल दुखा होगा यकीन। फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर आने के बाद दिमाग देखा उनका, सातवें आसमान पे पहुंच गया। इतनी हिम्मत हो गई उनकी कि मैंने जो कुछ कहा उसकी शिकायत तुमसे लगा रही है। नहीं नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा राशिद, ये तो मैंने खुद नोटिस किया। देखें, अगर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है तो ये उसका एहसान है, लेकिन इसकी धौंस हम दूसरे लोगों पर उतारें, ये ठीक तरीका नहीं है। बहरहाल मैंने और अशर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर तुम्हारी बहन और उनकी बेटी किसी एहसास से कमतरी का शिकार है ना, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल भी नहीं, वो किसी किस्म की एहसास से कमतरी का शिकार नहीं है, बल्कि फातिमा एक बहुत कीमती और खुददार लड़की है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जिस तरीके से आपने बात की है ना और अशर ने बात की है, उसका दिल दुखा होगा। मेडिकल में दाखिला लेना इतना आसान नहीं है, सड़क पे घूम रहे हैं लोग ऐसे। जो कुछ भी है सामने आ जाएगा, अभी चंद दिनों के अंदर देख लेंगे। लेकिन अगर मेरी कही हुई कोई बात उनको बुरी लगी है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अशर, फिर से गेम, हर वक्त गेम गेम गेम। अरे पढ़ा करो, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? अरे मामा, इतना तो पढ़ता हूँ, कॉलेज ट्यूशन, और क्या करूँ? बस कॉलेज ट्यूशन चले गए और बहुत हो गया। मैं जब भी राबिया को कॉल करती हूँ ना, पूछती हूँ फातिमा क्या कर रही है, वो हमेशा यही बताती है कि वो पढ़ रही है, और तुम हो कि बस कॉलेज और ट्यूशन को समझते हो कि हो गई पढ़ाई, इसके अलावा भी टाइम देते हैं बेटा। एक तो अम्मी, ये फातिमा ही और किसी गरीब डफर से मुझे ना मिलाया करे। वो आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको अपनी हद तक रखें। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? कजन है वो तुम्हारी, ऐसे बोलते हैं क्या? आप बताएं, उसका और मेरा कोई कंपैरिजन है? ना उसको बात करने की तमीज है, ना स्टाइल, ना क्लास, नथिंग। और ना जाने पता नहीं खुद को क्या समझती है, कॉम्प्लेक्स अलग से। एक्सक्यूज मी, वो किसी किस्म की कॉम्प्लेक्स में नहीं है, वो तुम्हारी कजन है, बिन बाप की बच्ची है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए उससे बात करते हुए, दिल दुख जाएगा उसका। एक तो आप हर वक्त उसकी वकालत करती रहती हैं, बिन बाप के बच्ची। आपने देखा वो लड़ती किस तरह मुझसे, जैसे मैं उसका कोई पुराना दुश्मन हूँ। मेरी समझ नहीं आता कि तुम बाप बेटी को कैसे समझाओ, बहुत मुश्किल काम है ये। आपने जो करना है ना आप करें, मुझे अभी गेम खेलने दे। थैंक यू। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, मगर ये सारी बातें इस वक्त करने का कोई फायदा नहीं है। आप कल ऑफिस आइए, ऑफिस में बात करेंगे। जी जी, मैं अभी ऑफ कर चुका हूँ, लाजमी सी बात है। ओके, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप अशर से बात करें ना, वो अपनी स्टडीज पे थोड़ा सा ध्यान दे,
वो बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को फोकस नहीं कर रहा, बस कॉलेज गया, कोचिंग गया एंड दैट्स इट। कोई तैयारी नहीं है उसकी एंट्री टेस्ट की। अरे भी जितना हो सकता है पढ़ तो रहा है, इकलौता बेटा है, क्यों प्रेशर बिल्ड कर रही है उस पे? इकलौता है तो क्या बर्बाद कर दें उसे? उसे पढ़ाई को फोकस करना चाहिए अपने राशिद। मैं तो जब भी पूछता हूँ तुम तो मुझे बताती हो कि वो पढ़ रहा है, कॉलेज गया हुआ है, ट्यूशन गया हुआ है, फ्रेंड्स के साथ स्टडी पे गया हुआ है, और क्या चाहिए? ठीक है, but that's not enough. अरे बजाय इसके आप उसे समझाएं कि वो अपनी पढ़ाई पर और तवज्जो दे, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे उसे मजीद शय मिले। अच्छा ठीक है, मैं उससे करूंगा बात, लेकिन एक बात तुम भी याद रखो, इतने बड़े कॉलेजेस में और इस तरह की एजुकेशन सिस्टम में तुमने या तुम्हारे घर वालों में से कभी किसी ने नहीं पढ़ा है ना, तो तुम्हें इसका ज्यादा पता भी नहीं है। चलो आओ खाना खाते हैं साथ। अच्छा पीलो बेटा पीलो। नहीं मम्मी मुझे नहीं पीना, बल्कि वापसी पे आज मैं लेट हो जाऊंगी थोड़ा सा। खैरियत, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए हैं, तो फिर देर? नहीं नहीं मम्मी, प्रैक्टिकल्स नहीं है, एक्चुअली मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं, उसके लिए बुक्स नहीं है और बाजार में वो बुक्स बहुत महंगी मिल रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाइब्रेरी में बैठ के बना लूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें हर वक्त ये एहसास रहता ना कि तुम्हारी पढ़ाई मुझ पर बोझ ना बने। तुम परेशान मत हो, मेरे पास हैं पैसे, अब तुम बुक्स खरीद लो तुम चाहो तो। मेरे लिए तुम्हारी स्टडी से बढ़कर और कुछ नहीं है बेटा। महीने का क्या है, थोड़ा खींच तान के गुजारा कर लेंगे। अम्मी अभी मुझे जरूरत पड़ेगी पैसों, मैं वो पैसे वहां खर्च कर लूंगी, आप बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं। मेरी जान, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए, मुझे अपनी जिंदगी से और कुछ भी नहीं चाहिए। चलो नाश्ता तो कर लो बेटा, तुमने कुछ नहीं खाया, दूध पी? नहीं मुझे दूध नहीं पीना, मैं वैसे ही बहुत लेट हो गई, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह की अमान, खुदा तुम्हें जिंदगी का हर सुख हर चैन दे। मामा मामा बहुत भूख लग रही है, कहाँ पर हैं आप, जल्दी खाना लगा दें। अशर इधर आओ। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? डैड वो ट्यूशन लेके आ रहा हूँ, और आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? इस वक्त कौन से ट्यूशन का टाइम होता है वैसे बेटा जी, बाप से झूठ बोलोगे अब? नहीं डैड, वो बस क्लास के बाद थोड़ी सी स्टडी करने बैठ गए थे। बेटा मैं तो जानता हूँ और मुझे भरोसा भी अपने बेटे पे, लेकिन तुम्हारी माँ को तुमसे शिकायत है कि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता पढ़ाई के मामले में। डैड मैं डर गया था। अच्छा डैड वो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, एक्चुअली नोट्स लेने हैं ना। ठीक है पैसे ले लो मुझसे, लेकिन ये जहाँ तुम ट्यूशन पढ़ते हो वो लोग नोट्स नहीं देते तुम्हें? अरे डैडी मैं जिन प्रोफेसर्स के नोट्स की बात कर रहा हूँ ना, वो कन्फर्म A1 ग्रेड्स लेके आते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स तो मेरे सेट हैं, बस कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये वाले नोट्स चाहिए मुझे। आपको तो पता है ये प्रोफेसर कोई नोट्स नहीं देते, बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, और इनके बात तो समझे मेरा A1 ग्रेड पक्का है। ठीक है ले लो पैसे मुझसे तुम, लेकिन एक बात जहन में रखना कि तुम्हारे नंबर जो है ना वो तुम्हारी माँ की उस भांजी से ज्यादा आने चाहिए। लोगों को भी पता चले ना कि राशिद खान की फैमिली में कोई बच्चा ऐसा है जो टॉप कर सकता है। बस डैडी फिक्र ही ना करें आप ये समझें कि इसको तो मैं हरा के छोड़ूंगा, आप बस पार्टी और गिफ्ट का अरेंज करें। शाबाश मेरा शेर, कितने पैसे चाहिए? 15,000। 15,000 एक सब्जेक्ट के नोट्स के लिए? A1 ग्रेड डैडी, पक्का है A1 ग्रेड। येलो। जाओ शाबाश, और दिल लगा के पढ़ो, मुझे अच्छे नंबर चाहिए किसी भी शक्ल में। इंशाल्लाह A1 ग्रेड डैड। जाओ। थैंक यू। अबे हाँ यार हो गया इंतजाम, यासिर भी अपने डैड से कुछ ले रहा है और तुम भी कुछ ले लो, A1 ग्रेड पे तो कुछ भी दे देंगे तुम्हारे डैड तुम्हें। चलो सुबह मिलते हैं। आजा।
ताहिर गाड़ी अंदर खड़ी करो बेटा और दरवाजा लॉक कर लो। अशर तो बहुत जल्दी सो गया आज। हाँ वो बता रहा था सुबह उसका कोई बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, उसकी तैयारी भी की थी उसने और फिर जल्दी जाके सो गया है, तो शायद इसी वजह से। आपने बात की ना उससे, समझाया उसे? हाँ बात की थी मैंने उससे, सच पूछो ना तो बहुत मेहनत कर रहा है। कहने लगा किसी प्रोफेसर के नोट्स हैं जो उसे चाहिए, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, बट ही सेड कि वो आ गए ना तो फिर मेरे मार्क्स अच्छे आए, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो, बहुत अच्छी बात है अगर इतने अच्छे नोट्स हैं तो। भाई किसी नामी ग्रामी प्रोफेसर के बता रहा था, कह रहा था कि, कहने लगा वो नोट्स वैसे भी हर किसी को नहीं मिलते, चंद ही बच्चों को मिलते हैं। मैंने कहा ले लो भाई पहले फुर्सत में जाके ले। अच्छा अगर इतने अच्छे नोट्स हैं तो मैं अशर से कहती हूँ कि उसकी फोटोकॉपी करवा ले, मैं फातिमा को भी दे दूंगी, बिन बाप की बच्ची है, इतनी मेहनत करती है, अच्छा है ना उसका भी भला हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे फालतू के नहीं है कि अरे गैरों के ऊपर खर्च किए जाए। खबरदार जो तुमने ऐसा किया, क्या चाहती हो तुम कि वो मेरे बेटे से ज्यादा अच्छे नंबर ले आए और उसके बाद दोनों मेरे मुंह पे बैठ के मुझे जलील करें, ये चाहती हो तुम? वो अहरी गहरी तो नहीं है, मेरी बहन की बेटी है वो। तुम्हारे लिए सगी है, मेरे लिए नहीं। खबरदार तुमने अगर अशर से भी ऐसी कोई बात की मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिजूल की बातें ना किया करो मुझसे। अरे ये जो तू आवारा गर्दी कर रहा है, कॉलेज में नहीं जा रहा, तेरे अब्बू को पता ही है? उनको बताया कौन? उनको लग रहा है कि उनका बेटा सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहा है बस। अच्छा तो पेपर के क्या करेगा? वो भी टेंशन नहीं लो तुम, मेरे ट्यूशन वाले सर है ना, उनसे मैंने सेटिंग कर ली है, तो कह रहे पास करा दूंगा तुम्हें, तू बस आइसक्रीम खा। इतनी दफा चेक कर लिया, मेरे रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा मम्मी। क्यों परेशान हो रही हो? तुम देखना इंशाल्लाह सब ठीक होगा।
तुमने इतनी मेहनत की है बेटा, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों का उसका अजर जरूर देता है। मेहनत सबने की थी, मेरे पास तो कोई अच्छे नोट्स भी नहीं थे, मैंने खुद ही तैयार किया था सब। पता नहीं मुझे मार्क्स मिलेंगे भी या नहीं। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, तुम देखना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, मेरा दिल कहता है। देखो अल्लाह ताला मेहनती बच्चों को तो कभी भी मायूस नहीं करता। तुम एक दफा फिर चेक करो, मुझे लगता है रिजल्ट आने का वक्त हो गया है। कहाँ है, मिल क्यों नहीं रहा? क्या हुआ सर, मिला या नहीं मिला, जल्दी ढूंढो। मैं वो ही देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है इंटरनेट का इशू है। मैंने अभी चेक किया, इंटरनेट सही चल रहा है, ढूंढो। मेरे सारे दोस्तों ने बता दिया कि इनके रिजल्ट वेब पर आ गए हैं, मेरा क्यों नहीं आ रहा? ये भी तो हो सकता है कि अब बस कर दे, बंद करें खुद को और अपने बेटे को धोखा देना। कितना कहा था ना मैंने, इसको बताएं मेहनत करना सिखाएं, लेकिन आप इसे हर गलत बात पर शह देते रहे, तो यही रिजल्ट निकलना था ना? आपके बड़े बोल, महंगे नोट्स, बड़ी बड़ी बातें, सब सब इसका फ्यूचर ले डूबे। हेलो राबिया, अरे वाह, बहुत मुबारक हो, मेहनत का इनाम तो फिर मिलता ही है ना? अशर, हाँ वो बाहर गया है ना, आता है तो मैं रिजल्ट पूछ के बताती हूँ। पुकुन ज़हन, बेकार गरीब लड़की जिसका आप लोग मजाक उड़ाते थे, इंटर बोर्ड में पोजीशन ली है उसने, मेहनत करने का इनाम तो बहरहाल मिलता ही है। बड़े बोल, बड़ी बड़ी बातें, शेखियां, वो सब लोग आज सर झुकाए खड़े। इतनी तकलीफ मुझे तेरे फेल होने की नहीं हुई जितनी उसके कामयाब होने की। खास बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं फातिमा अहमद। आपको बताते चले कि फातिमा अहमद ने इंटरमीडिएट में पहली पोजीशन हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, और फातिमा की इसी कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत और तमाम मेडिकल कॉलेज ने उन्हें स्कॉलरशिप भी ऑफर कर दी है। तो आइए जानते हैं कि फातिमा इस बारे में क्या कहती हैं। जी फातिमा, क्या कहेंगी, आपकी कामयाबी का राज क्या है? मैं अपनी पोजीशन, अपनी कामयाबी, मैं सब कुछ अपनी अम्मी के नाम करती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत करने के बाद इंसान को उसकी कामयाबी ज़रूर मिलती है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। और फातिमा, इसके अलावा आप फ्यूचर के आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप क्या करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि वो लड़कियाँ जो एक छोटे से स्कूल से पढ़ती हैं और वो ये समझती हैं कि हम आगे नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे देखें और ये सोचें कि छोटा स्कूल मैटर नहीं करता है, अगर इंसान के अंदर मेहनत करने की लगन हो, पढ़ने की लगन हो, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा। तो ये थी फातिमा अहमद, जिन्होंने ना सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और हमारी ख्वाहिश है, हम इनको दुआ दे सकते हैं कि इसी तरह मज़ीद ये तरक्की करती रहे।
हर बशर है एक वसीला, रब से जो खुदा।